जी वालेकुम अस्सलाम जी, जी मैं मोरिश से बात कर रही हूँ मेरा बेटा का मसला है जी थे? आप देख के बोलिए क्या मसला है वो शादी नहीं करना चाहता है और थोड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन में रहता है जी यही बात है और घर में थोड़ा प्रॉब्लम है बहू ने घर छोड़ चला गया है और मैं ही अकेली वजीफा करती हूँ और हस्बैंड नहीं करता है बेटा थोड़ा थोड़ा करता है अच्छा अच्छा एक तो आप... और मेरा एक काम का प्रॉब्लम है काम का प्रॉब्लम है काम थोड़ा रुक गया है जी जी अच्छा ऐसा आप देख के बोले क्या प्रॉब्लम है अच्छा ऐसा है, एक तो जो वजायफ आपको दिए हैं अपरी के वजायफ पहले से आप पढ़ रही जी. है उनकी आपको खसूस इजाजत दे रहा हूँ वो आप मुस्तकिल करते रहें इंशाल्लाह आपको फायदा होगा वो आपको खसूसी इजाजत दे रहा है दूसरा ये है कि आप एक अमल करें और उस अमल से इनशा आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा वो ये है कि हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़े नसर व फत करीब तस्वर ये हो कि जितनी भी कामयाबियां हैं मेरी जिंदगी में मेरी नस्लों की जिंदगी में अल्लाह में उन सारी कामयाबियों की तेरी बारगाह से फतेह मांगती ये बहुत बड़ा तस्वर है क्योंकि अमाल में नीयतों को बहुत दखल है मैं मांगती हूँ करीब एक तो हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़े दूसरा ये है कि सुबह चालीस बार सूरत फातिहा पढ़ें अब तीन बार दरुद पाक के साथ और जब चालीस बार सूरत फातिहा पढ़ लें तो सारा दिन पढ़ें अल्लाह मैया का ना बदो व ईया का नस्ताइन अल्लाह मैया व ईया का आप सारा दिन ये पढ़ें और बहुत तवज्जो से पढ़ें सैकड़ों हजारों लाखों वजू बे वजू हर हालत में पढ़ सकते हैं शाम को फिर सूरत फातिहा चालीस बार पढ़ें और फिर यही दरूद पाक पढ़ते पढ़ते आप सो जाए और बेटे के लिए दुआ करिए जी मैं दुआ करूंगा जी और, और दुआ करे बेटे के लिए वो शादी के लिए मान जाए इंशाल्लाह मानेगा इंशाल्लाह मानेगा जो शादियां माँ बाप की दुआओं के बगैर होती हैं जिसमें माँ बाप के इरादे शामिल नहीं होते फिर माँ बाप को मजबूर करके मना लेते हैं और माँ बाप कहते हैं अच्छा ठीक है कर लें वो कभी जिंदगी में सुख का जरिया नहीं बनती और जिनमें माँ बाप की दुआएं शामिल होती हैं वो जिंदगी में सुकून का जरिया बनती जो अपनी मोहब्बत की शादी है या मैंने औलाद की तरफ से मुश्किल देखी औलाद नहीं होती या हो जाती है परेशानी या फिर घर के मसाइल जिंदगी में मुश्किल देखी